नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की होटल में मिला युवक का शव, बाथरूम में फैला पड़ा था खून, पुलिस जांच में है जुटी। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की परिहार होटल में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामले की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बाथरूम में खून फैला हुआ पाया। एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में खुलासे की बात कही है। तीन लाख की लूट को अंजाम देने वाले चार बदमाश फरार, दो हिरासत में। बुधवार को दिनदहाड़े नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पंतपिपलाई में अज्ञात छह बदमाशों ने बीड़ी व्यापारी के मुनीम और ड्राइवर की आंखों में मिर्ची झोंककर चाकू से हमला करते हुए 3 लाख रुपए नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से एक चाकू, 60,000 नकदी सहित मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो कि घटना में उपयोग की गई थी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने पवासा थाना क्षेत्र के दो बदमाशों को हिरासत में लिया था। आरोपी निकले हैं, तो मोटरसाइकिलों का उपयोग हुआ, एक व्यक्ति टीम की, दूसरी टीम जिसने इंटरसेप्ट करके घटनाक्रम किया है। हमने दो आरोपियों को पकड़ लिया है, दो आरोपियों से हमें 7,000 रुपये की रकम और एक वीपन घटना में उपयोग हुआ वो पकड़ लिया है, ले लिया है, और इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी अभी तक हमने जब्त की है। शेष जो 4 आरोपी हैं उन पर हमारा काम चल रहा है, हमने उसमें प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का रिवार्ड भी डिक्लेयर किया है और उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो आरोपी भी हमारी पकड़ में होंगे। पूछताछ करने पर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया और अपने 4 अन्य साथियों के भी नाम बताए। पुलिस फरार 4 आरोपियों की तलाश कर रही है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस की टीम को इनाम देने की घोषणा की है। मंगरोला ग्राम में मोर को एक स्वान ने हमला कर घायल कर दिया। मंगरोला ग्राम में मोर पक्षी पर एक स्वान ने हमला कर मोर को घायल कर दिया। घटना की मोर पक्षी संरक्षण संस्था को जैसे ही खबर मिली तो संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और मोर पक्षी को समय रहते उपचार दिया। उपचार के चलते मोर पक्षी स्वस्थ हो गया, लेकिन देर रात मोर पक्षी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद संस्था ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग ने बक्शी मोर के शव का पोस्टमार्टम कर जांच रिपोर्ट मंगाई। जैसा कि आप और हम भलीभांति से जानते हैं कि मोर राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, इसी के तहत इस पक्षी की भारत देश में अधिक महत्वाकांक्षा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश मोर पक्षी संरक्षण, जो कि उज्जैन जिले के मंगरोला ग्राम में स्थित है, यहाँ बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी के तहत पक्षी मोर की रक्षा कर उनका लालन पोषण करते हैं। सदस्यों द्वारा इसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोर को कुत्ते के द्वारा घायल किया गया है, उसको कुत्ते ने पीछे से झपेटा मारा था जिसमें मोर घायल हुआ है, तो समिति के सदस्यों द्वारा वहाँ पर जाकर उसकी सूचना ली गई, मोर को लिया और अभी उसका इलाज करा कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। किस तरह का ट्रीटमेंट इसको दिया गया अभी? अभी वर्तमान में जो महितपुर में नशे में धुत पुलिस आरक्षक डायल 100 में गांजा पकड़ने पहुंचा था, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दोनों को लाइन अटैच कर दिया है। उज्जैन जिले के महितपुर पुलिस का एक शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें विजय स्तंभ चौराहे पर देर रात नशे में धुत एक पुलिस आरक्षक डायल 100 गाड़ी में गांजा पकड़ने के लिए पहुंचा। पुलिस आरक्षक ने डायल 100 के ड्राइवर को यहां तक कह दिया कि दूसरे पुलिस आरक्षक ने ही तुमको 250 ग्राम गांजा दिया है, बताओ वहां गांजा कहां है। हालांकि ड्राइवर ने गांजे होने से साफ तौर पर मना किया, लेकिन पुलिस आरक्षक ने कहा कि वहां शराब पीकर ही रात में ड्यूटी करता है। ऐसे में इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे उज्जैन पुलिस की छवि खराब हो रही है। राहुल से लिया गांजा तुमने? नहीं, मैंने कहाँ पिया गांजा? राहुल से लिया के नहीं? मैंने कब लिया? राहुल से लिया? अरे मैंने कब लिया? राहुल भी आकर पूछा कि देवीलाल गांजा पीता है क्या? जनता की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य होता है,
लेकिन अगर पुलिस के जवान शराब पीकर ड्यूटी के बजाय गांजा बेचने का काम करें तो यह समझ से परे हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले की महितपुर शहर में देखने को मिला है। शहर के विजय स्तंभ पर गुरुवार देर रात डायल 100 गाड़ी खड़ी थी, तभी महितपुर पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक हरिओम शराब पीकर वहां पहुंचा और डायल 100 के ड्राइवर देवीलाल विश्वकर्मा से अभद्रता करते हुए गाड़ी की तलाशी लेने लगा। हरिओम ने देवीलाल पर आरोप लगाया कि गाड़ी में 250 ग्राम गांजा है, वह गाड़ी चेक करेगा, लेकिन देवीलाल ने हरिओम को गाड़ी चेक नहीं करने दी, जिसको लेकर आरक्षक हरिओम और ड्राइवर देवीलाल में जमकर कहासुनी हो गई। इस दौरान ड्राइवर देवीलाल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया। गुस्साए हरिओम ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि महितपुर थाने में पदस्थ एक दूसरे पुलिस आरक्षक राहुल सेमर ने देवीलाल को 250 ग्राम गांजा दिया है, इसलिए वह गांजा पकड़ने के लिए आया है। हालांकि हरिओम शराब के नशे में धुत था और उसने खुद ही कबूला कि वह नशे में ही पुलिस की ड्यूटी करता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देवीलाल ने कंट्रोल रूम पर फोन लगाकर सूचना भी दी। हालांकि घटनाक्रम का वीडियो लीक हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच किया है। ग्रामीण का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है और प्राथमिक जांच SDOP महितपुर कर रहे हैं। सर, एक CCTV वायरल हो रहा है जिसमें चोरी की वारदात के बाद में चोर सेल्फी ले रहे हैं। हाँ, ये भी बात आज मेरे संज्ञान में आई है। हम उसमें उसका पूरा परीक्षण करेंगे, कौन से लोग हैं, क्या है, और उस पर भी हमारा काम चलेगा। इंदौर के यशवंत सागर का गेट खुलने से उज्जैन में जल संकट से राहत मिली है। उज्जैन में भादो मास के आखिरी दिनों में हो रही बारिश ने शहर के लोगों को पेयजल संकट की बड़ी चिंता से आधा मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी आधी चिंता और दूर होना बाकी है। इंदौर उज्जैन संभाग में हुई बारिश के बाद शुक्रवार दोपहर तक गंभीर डैम का लेवल 1000 MCFT तक पहुंचा और पानी की आवक अब भी बनी हुई है। गंभीर डैम में पानी स्टोर की कुल क्षमता 2250 MCFT है। इस वर्ष पूरा सावन और आधा भादो मास निकलने के बावजूद गंभीर डैम में मात्र 426 MCFT पानी स्टोर था। शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो रहा है। PHE द्वारा गंभीर डैम नहीं भरने के मद्देनजर शहर में दो दिन छोड़कर जल प्रदाय का प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका था। इसी बीच बुधवार शाम को इंदौर व उज्जैन संभाग में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इंदौर का यशवंत सागर अपनी क्षमता 19 फीट तक भरने के बाद बुधवार गुरुवार की रात एक गेट 1 मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा गया। यह गेट गुरुवार सुबह 6 बजे तक खुला रहा, जिससे गंभीर डैम में करीब 50 MCFT पानी आया, जबकि गंभीर के कैचमेंट एरिए में लगातार बारिश से भी डैम में पानी की आवक शुरू हुई। दोपहर 12 बजे तक डैम में 1000 MCFT पानी स्टोर हुआ, जबकि पानी की आवक अभी बनी हुई है। यशवंत सागर का एक गेट खुलने से गंभीर में आया पानी। गुरुवार देर रात यशवंत सागर का एक गेट 1 मीटर खोला गया, जिसमें डैम में 50 MCFT पानी आया। गुरुवार दोपहर 4 बजे फिर एक गेट 1 मीटर खोला गया, जिसे शाम 7 बजे 2 मीटर तक बढ़ाया गया, जो रात 11 बजे तक खुला रहा। यशवंत सागर से छोड़ा गया पानी लगातार गंभीर डैम में स्टोर हो रहा है। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से भी डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का लाभ दर्शनार्थियों द्वारा लिया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्रतिदिन मंदिर दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों का कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व कोविड के नियमों का पालन करने हेतु महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु हेतु संक द्वार के पास फैसिलिटी सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। दर्शनार्थियों द्वारा इस व्यवस्था की सराहना की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था को श्री महाकालेश्वर भगवान के प्रसाद का रूप बताया है और कहा है कि मंदिर परिसर में इस व्यवस्था का लाभ लेकर वह प्रसन्न है और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को इस कार्य हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं इधर महाकाल के दर्शन करने के लिए आया था, पर महाकाल ने मेरे को दो दो आशीर्वाद दे दिए कि उनके दर्शन भी हो गए और साथ में वैक्सीनेशन भी हो गया मेरा यहाँ पर सेकेंड डोज। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे को दो दो आशीर्वाद मिले आज। मैं इंदौर से साइकिल से आया हूँ और यहाँ से अब उज्जैन से मैं ओंकारेश्वर जाऊंगा साइकिल से। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक
गणेश कुमार धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आशीष सिंह अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के दिशा निर्देश में मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा दोहरा लाभ प्राप्त किया जा रहा है। 16 सितंबर को कोविड 19 का वैक्सीनेशन मंदिर के फैसिलिटी सेंटर में प्रारंभ किया गया है, जिसके पहले दिन समाचार लिखे जाने तक 112 से दर्शनार्थियों ने सुविधा का लाभ लिया है। ज्ञात हो कि मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं के कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। जिन श्रद्धालुओं को प्रथम या द्वितीय वैक्सीन का डोज नहीं लगा है, तो ऐसे श्रद्धालुओं का वैक्सीनेशन किया जाकर दर्शन हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के उद्देश्य और आगामी त्यौहार को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों को सादगी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में एवं अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में कोरोना महामारी के चलते आगामी त्यौहार अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन पर्व आदि जैसे त्योहारों को सादगी व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उज्जैन के सभी शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें उज्जैन के शहरी सभी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे तथा लोगों से अपील की गई कि कोरोना महामारी के चलते त्यौहार मनाने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः ध्यान रखा जाए, जिसे कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। फ्लैग मार्च का अन्य उद्देश्य जनता में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है तथा शहर में घूम रहे असामाजिक तत्व व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक प्रचार प्रसार करने व सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना है। उज्जैन को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। उज्जैन विकासखंड में संचालित महिला एवं बाल विकास के 5 परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित 565 आंगनवाड़ी केंद्रों में चिन्हित 2653 कुपोषित बच्चों को आयुर्वेदिक उपचार विधि से सुपोषित करने हेतु कलेक्टर आशीष सिंह के मुख्य आतिथ्य में एवं किशोर खंडेलवाल सदस्य मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग एवं संयोजक एकात्म सामाजिक कल्याण संस्था के विशिष्ट आतिथ्य में ढांचा भवन से भव्य कार्यक्रम में कुपोषण से सुपोषण अभियान पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चिन्हित कुपोषित बच्चों को ग्रैन्यूल्स एवं आयुर्वेदिक महामाश तेल वितरित भी किया गया। इसके बाद में खनक पूजा ढांचा भवन भविदर देखिए खनक पूजा ढांचा भवन। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी, डॉक्टर मनीषा पाठक जिला आयुर्वेद अधिकारी, डॉक्टर एस एन पांडे सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी, श्रीमती प्रीति कटारा परियोजना अधिकारी, श्रीमती ज्योति सिरे पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड की निवासी महिला हितग्राही, गर्भवती एवं धाती माताएं एवं कुपोषित बच्चे उपस्थित रहे। 30,000 करोड़ रुपया गिनती लिखोगे तो पीछे जीरो कितने लगेंगे, इसकी गिनती लगाना पड़ेगी। सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने खर्च करा, ये किसका पैसा है? ये आपका और मेरा पैसा है। अब आप मेरे से माता कोई भी बोल देगी, हम तो टैक्स देते ही नहीं है, तो हमारा पैसा कहां से हो गया? अरे भाई, पैसा तो आपका भी है। क्यों? साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, किराना खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, जूता खरीदते हो, जो खरीदते हो उसमें टैक्स आपके पास से भी जा रहा है।
10 रुपए का साबुन खरीदते हो उसमें 8 आने 12 से बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, और हम लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होता है कि अगर कुपोषित बच्चा है तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आगे जो है उसको उठानी पड़ती हैं। जब कुपोषण होता है तो न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास को भी बहुत बुरी तरीके से दुष्प्रभावित करता है। इस अवसर पर कलेक्टर जिला उज्जैन आशीष सिंह के द्वारा उज्जैन जिले में कुपोषण समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर बल दिया गया तथा 3 माह में चिन्हित सभी 2653 कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो थीम है वो ये है कि हमारे ज़िले में, और अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और उनसे कुपोषण से लड़ाई का एक समग्र रूप में एक ढांचा जो है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि सभी विभाग, चाहे वो महिला बाल विकास हो, आयुर्वेद हो, हेल्थ विभाग हो, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और नवाचार के रूप में यहाँ पर जो मोरिंगा के बीजों से बना हुआ एक बहुत ही टेस्टी उत्पाद है, वो जो हमारे अति कुपोषित कुपोषित बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। और जो आयुर्वेदिक तेल है जिसकी मालिश से बहुत फ़ायदा पहले भी कुपोषित बच्चों को हुआ है, वो किया जाएगा, वो दिया जा रहा है। वर्तमान में अभी हम लोगों के द्वारा प्रायोगिक तौर पर उसको उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण दो ब्लॉकों से इसको इस योजना को चालू किया गया है। रेडक्रॉस से शुरू में इसको फंड किया जा रहा है। इसके हम लोग 1-2 महीने में जब रिजल्ट देखेंगे और इससे जो अनुभव प्राप्त होंगे उसके बाद पूरे ज़िले भर में इसको हमारे द्वारा चलाया जाएगा। सभी विभाग, जनता के सभी लोग, जनप्रतिनिधि और खंडेलवाल जी की जो संस्था है इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उज्जैन एक मॉडल के रूप में विकसित होगा कुपोषण से लड़ने में, और हम लोग पूरी तरीके से उज्जैन। किशोर खंडेलवाल, सदस्य मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा आयुर्वेदिक उपचार विधि से कुपोषण समाप्त करने के संबंध में सूर्जना के पत्तों से निर्मित ग्रैन्यूल्स, कुपोषण समाप्त करने के संबंध में सूर्जना के पत्तों से निर्मित ग्रैन्यूल्स एवं आयुर्वेदिक महामाश तेल की मालिश के संबंध में गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं तथा कुपोषित बच्चों की माताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई। कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम जिले में पहले से प्रारंभ था, अन्य जिलों में भी प्रारंभ था। इसको लॉकडाउन और कोविड के बाद एक नए परिवेश में आज से फिर से शुभारंभ किया है। प्रथम दौर में जो है उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण के 2653 कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को इसमें शामिल किया है, जिसमें मोरबिटा, जो मोरिंगा की पत्ती से बने हुए पाउडर के ग्रेन्यूल्स हैं, वो उनको घर घर जाकर के, चूँकि आंगनवाड़ियाँ बंद है, अतः घर घर जाकर के सेवन कराया जाएगा। अति गंभीर बच्चों को उनको महामाश तेल या चंदन बला लाक्षादि तेल, इससे उनका अभ्यंग मालिश की जाएगी। इसके साथ में इन माताओं की काउंसलिंग करना ये महत्वपूर्ण है। गर्भवती माताओं से लेकर के कुपोषित बच्चों की माताओं को काउंसलिंग करके उनकी आहार पद्धति, उनका रहन सहन, उनके स्वास्थ्य के विषय में उनको परामर्श दिया जाएगा। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ में चलाया जाएगा, जिससे कि ये बच्चे तो ठीक हो जाएं, किंतु आगे आने वाले बच्चा कुपोषित न हो, तभी हम दर को हम कम कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हरमोबेन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है, शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरमोबेन हेल्थ केयर सेंटर, NZR शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया।
वहां देश की समृद्धि एवं विकास के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। यहां डॉक्टर यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चहुंमुखी विकास कर रहा है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में है, तकनीकी के क्षेत्र में है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में चारों ओर विकास के आयाम छू रहा है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर खुशी जाहिर की है। मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता, नवभारत के जननायक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं स्वस्थ व दीर्घायु जीवन हेतु अनंत शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं समृद्ध भारत के संकल्प के साथ देश एक सशक्त राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर भाजपा माधवनगर मंडल के चकोर पार्क में पौधारोपण कर मनाया। वृक्षारोपण के साथ, पौधारोपण के साथ अगर मनाने का प्रयास किया तो यहीं से निकल करके मैं हमारे जनजाति क्षेत्र के आदिवासी अंचल में झाबुआ, अलीराजपुर और वहाँ के कॉलेज, वहाँ के कैंपस, छात्रावास सबको बनाने की दृष्टि से यहाँ से मैं निकल के जाने वाला हूँ। अलीराजपुर और झाबुआ ये हमारे सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से आते हैं और ख़ास करके आदिवासी अंचल में उच्च शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज बने, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बने, सभी प्रकार के कोर्स खुले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नई शिक्षा नीति लागू की है और मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर वो लागू हुई है तो हमारा प्रयास है कि अपने जीवन के सब क्षेत्रों के लिए, सब प्रकार की समाज के लिए आगे बढ़ने के समान रूप से अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके साथ उनकी इस दीर्घगामी योजना, खास करके नई शिक्षा नीति को लागू करने में जो उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया है, ये लॉर्ड मेकाले के 1835 की शिक्षा नीति को उखाड़ फेंकते हुए हमारे अपने स्वदेश की भावनाओं को साथ में लेते हुए सबके विकास की कल्पना करने वाला जो उनका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में चला कोविड टीकाकरण अभियान, जहां देशवासियों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर कई सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी में पूरे देश भर में एक साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें संपूर्ण देशवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी कड़ी में गोपाल मंदिर स्थित पुराने नगर निगम में बीजेपी सराफा मंडल द्वारा टीकाकरण का अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नितेश गादिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों ने इस चित्र को इसलिए चुना है कि इस क्षेत्र में बाहर से दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में आते हैं व मजदूर तबके लोग भी यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जी बताएं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने पुराना नगर निगम को कोविशील्ड जोन के लिए चुना है सेंटर के रूप में। यहाँ पे आसपास में जैसे गोपाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए यात्री बाहर से आते हैं, तो उनमें निम्न वर्ग के भी मजदूर लोग वगैरह ऐसे हैं जो दूसरी जगह पे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, इसलिए सेंटर बनाया हमने यहाँ पे ताकि वो लोग यहाँ पर आके आराम से अपना टीकाकरण करवा सकें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आर के डेवलपर्स आपके लिए लेकर आया है सुनहरा अवसर। आर के डेवलपर्स के साथ इस गणेश चतुर्थी पर करें अपने घर का सपना साकार, वह भी कम कीमत पर। आर के डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, मक्सी रोड पर मकान व प्लॉट का सुनहरा अवसर है। वही मौका है शहर के आर के डेवलपर्स लेकर आए हैं तीनों प्रोजेक्ट्स, वो भी किफ़ायती कम कीमत पर खरीदे मकान व प्लॉट। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर, देवास रोड पर आर के होम्स में प्लॉट उपलब्ध हैं मात्र 5,88,000 से शुरू एवं बने हुए आलीशान मकान कीमत 8,67,000 से शुरू। इसके अलावा आर के क्लब एवेन्यू में प्लॉट कीमत 6,12,000 से शुरू एवं मकान 8,75,000 की कीमत से शुरू है। साथ ही मक्सी रोड पर आर के निवास पर जहां प्लॉट 6,24,000 से एवं मकान 9,81,000 से और बुकिंग मात्र 19,000 से शुरू है। साथ ही यहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सभी प्लॉट एवं मकान पूर्व एवं पश्चिमी मुखी,
पीएचई वाटर लाइन, चोरी सड़क, सुरक्षित परिसर, सीमेंटेड रोड, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर गार्डन, बच्चों के लिए प्ले जोन, पानी की टंकी, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, पुनः सुरक्षित कॉलोनी और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो गणेश जी की स्थापना के साथ ही 10 दिन या आवास मेले का आयोजन किया गया है। गणेश स्थापना के साथ ही प्रत्येक बुकिंग कर पाए 45,000 कैशबैक वाउचर। एक बार गणेश जी के दर्शन के साथ विजिट करें और सिर्फ 2 दिन शेष है तो आज ही अपने सपने को पूरा करें और खुद के घर में करें प्रवेश। उज्जैन आवासीय उज्जैन संभाग वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इस गणेश उत्सव में उन्होंने हमारे पर विश्वास दिखा के हमारी कॉलोनियों में मकान और प्लॉट का सर्विस किया। अभी अंतिम 2 दिन बचे हैं, संडे तक है ये गणेश उत्सव और हमारा आवास मिला, जिसके अंदर हम कई सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री फ्री, 45,000 का कैशबैक वाउचर और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी दे रहे हैं, जैसे बाउंड्री वॉल, 25 फीट की चौड़ी रोड, गार्डन्स, बच्चों का प्ले जोन, पानी की टंकी, सीवरेज, पीएचई लाइन के कनेक्शन, सर्व सुविधा युक्त सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए, हर तरह की सुविधा हम यहाँ आपको दे रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।